दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं। बताने वाला हूं आपको टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, दिन भर में क्या बड़ी खबरें निकल के आई है, साथ ही साथ दोस्तों वरुण चक्रवर्ती को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, सारी डिटेल में बातचीत करेंगे। आईपीएल साल 2021 की अगर बात करें तो फेज टू को लेकर यहाँ दोस्तों काफ़ी सारी गड़बड़े केकेआर के सामने आई है। बट आपको बता दें 19 सितंबर से चालू होने जा रहा है फेज टू यूएई के अंदर, सभी टीमें चौकन्नी हो चुकी है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की यानी टीम केकेआर की। टॉप अपडेट्स बताऊंगा तो क्या फायदा क्या नुकसान इन अपडेट के चलते होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का शेड्यूल बाहर आ चुका है, हम प्रीवियसली हमारी वीडियो में भी बातचीत कर चुके हैं। यहां आपको बता दें टीम केकेआर का शेड्यूल काफी सही अभी तक तो लग रहा है। खैर दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना केकेआर का शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग सही है या आपको कुछ उसमें डिफरेंस लगे। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर के गैम्बल को लेकर। दोस्तों, शेड्यूल बाहर आ चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर केकेआर का और पूरे आईपीएल का शेड्यूल भी देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं शेड्यूल। वहीं दोस्तों, केकेआर के लिए एक बहुत ही बड़ा गैम्बल होने वाला है केवल 7 में से 2 मुकाबलों के अंदर। और क्या है ये गैम्बल और कैसे होगा गैम्बल? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें शारजा जो कि एक गेम चेंजिंग मुकाबला होता है, यानी दोस्तों छोटा सा ग्राउंड है। और यहाँ दोस्तों बता दें केकेआर के आंद्रेसल जिस तरह के फॉर्म के अंदर हैं, हालांकि केकेआर के और भी खिलाड़ी फॉर्म के अंदर जरूर पहुंच ही जाएंगे जब तक फेज टू शुरू होगा। बट आपको बता दें दोस्तों, केकेआर के केवल 2 ही मुकाबले शारजा के ऊपर है और जिस तरह से पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी केकेआर को पॉइंट्स चाहिए, तो ये एक तरह का जुआ है। अगर यहाँ केकेआर दोनों ही मुकाबले शारजा के मैदान पर जीत जाता है तो एक बहुत ही बड़ा उलटफेर खुद के पॉइंट्स टेबल पर और पूरे 8 टीमों के अंदर वो डिफरेंस डाल देगा। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि शारजा के दोनों मुकाबले केकेआर जीतेगा या 50-50 रहेगा। दूसरी अपडेट आ रही है केकेआर के शेड्यूल को लेकर। दोस्तों, जाहिर सी बात है यहाँ केकेआर अनहैप्पी है अपने नए शेड्यूल को लेकर। और क्यों अनहैप्पी है? दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने ये प्रॉमिस किया था कि फेज 1 जहाँ एंड हुआ फेज 2 वहीं से शुरू होगा, यानी दोस्तों आरसीबी और केकेआर का मुकाबला होने वाला था तो यहाँ फेज 2 भी वहीं से होना चाहिए था। और इसी को लेकर बीसीसीआई को एक लेटर केकेआर ने लिख दिया है। हालांकि दोस्तों, लेटर की सुनवाई कोई भी नहीं होने वाली है क्योंकि शेड्यूल आ चुका है। आपको पहला मुकाबला अब चेन्नई और मुंबई के बीच में है और ये केवल और केवल एक यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट है जिसको लेकर की व्यूअरशिप ज्यादा मिले। खैर दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग एमआईसीएस के पहला मुकाबला होना चाहिए था या फिर केकेआर और आरसीबी पहला मुकाबला होना चाहिए था। तीसरी अपडेट आ रही है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। तो फाइनली दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती रिसेंटली अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। यहाँ पहले टी20 मुकाबले में आपको खेलते हुए देखे, हालांकि इतना इंप्रेस वो नहीं कर पाए बट ओके परफॉर्मेंस था। आपको बता दें यहाँ दोस्तों इंजर्ड हो गए थे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ। बट आपको बता दें दोस्तों, रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था कि वो रिप्लेस किए जा सके। बट राहुल द्रविड़ के अकॉर्डिंग यहाँ काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 20 जनों का ग्रुप है और यहाँ सबको चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ वरुण चक्रवर्ती को दूसरे टी20 के अंदर उनके टीममेट कुलदीप यादव यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। खैर वो भी खेल सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर यदि टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।